हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई लोगों, काफी टाइम के बाद जो है ये व्लॉग आ रहा है, लगभग 1 मंथ जो है हो चुका है और जब जाकर ये व्लॉग मैं बना रहा हूँ। तो गाइस, इतना व्लॉग लेट क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, सब कुछ आज के इस व्लॉग में आपको क्लियर करने वाला हूँ। एंड गाइस, आज के इस व्लॉग में मैं आपको इतनी सारी लाइटें दिखाने वाला हूँ, इतनी सारी जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल बनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ऐसे मजेदार व्लॉग देखने के लिए। चलिए गाइस, आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस, आज से 1 महीना पहले जाया जाए तो लास्ट व्लॉग जो है ये वाला डाला था, जो कि शेडी के शूटिंग का है। लगभग इसके बाद जो है कोई भी व्लॉग नहीं आया, तो इसका कारण क्या है? तो गाइस, इसका कारण है ये। तो गाइस, जिस फोन में आप ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब जिस फोन से ये वीडियो शूट हो रही है, वो खराब हो चुका था। तब जाकर मैंने कुछ टाइम वेट किया और जब जाकर मैंने न्यू स्मार्टफोन लिया। तो चलिए गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा मैंने फोन लिया है एंड कौन सा मेरा मोबाइल खराब हुआ है। तो गाइस, ये है रेडमी नोट 13 का मोबाइल, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का। इसका पूरा मॉडल मैं आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा स्क्रीन पर। तो गाइस, ये जो है बिल्कुल खराब हो चुका था, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। इसके कारण जो है व्लॉग नहीं आ पा रहे थे। तो गाइस, इस फोन के अंदर मेरे इतने सारे अभी भी व्लॉग बने हुए हैं जो कि बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। तो गाइस, इसके अंदर हुआ क्या खराब है? तो गाइस, इसका जो मदरबोर्ड होता है ना, ये वाला ऊपर जो लगा रहता है, जिसके ऊपर जो है पूरा डेटा जो है टिका हुआ होता है, वह जो है मदरबोर्ड इसकी बिल्कुल खराब हो चुकी है। तो इस कारण से मैं व्लॉग नहीं ला पा रहा था। ये मोबाइल के अंदर जो है मेरा चैनल वैनल सब चीज थी, तब जाकर मैंने जीमेल आईडी जो है इस मोबाइल में लॉग इन करी। तो चलिए गाइस, जिस फोन से ये वीडियो शूट हो रही है ये मेरा कौन सा है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, ये है रेडमी नोट 13 5G, यहाँ पर आप देख ही सकते हो। ये फोन मैंने लिया है, यहाँ पर आप देख ही सकते हो। तो देख सकते हो ये 5G है, अनलिमिटेड डेटा मैं यूज कर सकता हूँ, रेडमी नोट 13 5G है। तो चलिए गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, ये रहा वो फोन जिससे ये वीडियो शूट हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, यही फोन है। चलिए गाइस, मैं आपको कवर उतार कर दिखाता हूँ इसका। तो गाइस, यहाँ पर आप देख ही सकते हो कितना प्रीमियम लुक का जो है ये मोबाइल है, यहाँ पर आप देख सकते हो। देखिए गाइस, कुछ इस तरीके का ये फोन है, मतलब काफी अच्छा है और काफी अच्छे से मैं इससे वीडियो शूट कर सकता हूँ। देख सकते हो अभी वीडियो जो है वाइड एंगल में शूट हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, काफी अच्छे से ये जो है शूट कर पा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये मैंने फोन लिया है, इस कारण से जो है वीडियो नहीं आ पा रही थी, ये खराब हो चुका था, तब जाकर ये मैंने जो लिया है। तो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ ये मैंने कैश लिया है या फिर फाइनेंस पे। तो गाइस, इतना बजट नहीं था कि मैं कैश ले सकूं, ये जो मैंने बिल्कुल फाइनेंस पे लिया है ताकि मुझे दिक्कत ना हो और एंड जो है काम भी नहीं बढ़ जाए और हमारा जो है ज्यादा खर्चा भी ना बढ़े। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ वे लाइटें। तो चलिए गाइस, अब जलते हैं इस चारपाई के नीचे। ये देखिए गाइस, मैं आपको लाइट जलाकर दिखाता हूँ। लोगों, यहाँ पर आप देख ही सकते हो मेरे पास कितनी सारी लाइटें हैं, यहाँ पर आप देख ही सकते हो लगभग गाइस, अगर मैं आपको अंदाजे से भी नहीं लगा सकता, मतलब इतनी सारी लाइट है। चलिए गाइस, सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ। तो भाई लोग, अब मैं आपको दिखाता हूँ इतनी सारी लाइट जो कि आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। ये देखिए गाइस, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी सारी लाइटें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो भाई साहब, यहाँ पर आप देख सकते हो। अरे भाई, देखिए गाइस कितनी सारी ये लाइटें हैं और ये सारी चालू है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी सारी लाइटें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये कहाँ से आई है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो गाइस, सबसे पहले इनका थंबनेल ले लेता हूँ। तो गाइस, ये जो इस तरीके के एलईडी बल्ब होते हैं, इनसे ही जो ये सारी लाइटें जलने वाली है। तो इन्हें रखते हैं यहाँ पर, आप देख ही सकते हो कुछ इस तरीके से। सबसे पहले ये बॉक्स अपना इधर रख देता हूँ, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। एंड अपना ये मोबाइल उठाता हूँ कुछ इस तरीके से, और भाई साहब इसे भी रख देते हैं यहाँ पर। और चलो गाइस, अभी ने जो है हम ठीक करते हैं ये लाइट जो हमें इस तरीके से, ये जो आप देख रहे हो, सबसे पहले हमें जो है इनमें से सही निकाल लेनी है। तो देख सकते हैं ये थोड़ी टूट रही है, इनमें से कई सारी हैं हमारे पास जो है कमी नहीं है, तो इनमें से हम कोई अच्छी सी निकाल लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो फाइनली ये मिल चुकी है, ये काफ़ी अच्छी लग रही है। तो गाइस, इसे जो हम ठीक कर आपको दिखाने वाले हैं, इसी तरीके से ये सारी ठीक हो जाएंगी। तो देख सकते हो गाइस, कुछ इस तरीके से ये रही। और सिंपली हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर ऊपर की साइड जो है किस तरीके का ज्वाइंट लगा हुआ है, एंड यहाँ पर नीचे की साइड जो है दो वायर लगे हुए हैं। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो सिंपली हमें क्या करना है, ये बल्ब खोलना है, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसे खोल लेता हूँ। तो आप इतने वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बल्ब मैंने इस तरीके से खोल लिया है, जो कि 9 वाट का है, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आप देख रहे हो इसे, ये जो आप वायर देख रहे हो, सिंपली हमें कुछ नहीं करना ज्यादा तरीके से, ये जो आप दो वायर देख रहे हो प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए इस पर सोल्ड कर
कर देना। चलिए गाइस मैं आपको सोल्ड करके दिखाता हूँ और फिर ये लाइट देखना है कितने कमाल से जलती है, कितना सोल्डिंग आयरन जो है गर्म होता है। चलिए गाइस मैं आपको बता देता हूँ ये लाइट आती कहाँ से। तो गाइस ये जो पेट्रोल पंप होते हैं उनके ऊपर जो सीलिंग लाइट लगी होती है, पता नहीं क्या नाम होता है इनका, तो उनके अंदर जो है मुझे मिली है ये। मैंने बिल्कुल फ्री किया, मतलब बच्चों के पास जो है जो कबाड़े होते हैं ये बिकती भी नहीं है, मतलब फाइबर की चीज जो है बिकती नहीं है जल्दी से, तो इस वजह से वे जो लाइट ऐसे ही पड़ी थी तो मैंने बच्चों से जाकर ले ली। तो देख सकते हो कितनी सारी लाइट है। चलिए गाइस मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है पेट्रोल पंप के ऊपर लगी हुई होती है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से, और इनका जो है कंट्रोलर अलग ही होता है, मतलब अलग ही जो है होता है जिससे ये सारी कनेक्टिव होकर जो है एक साथ जलती है। तो हम जो है सिर्फ एक जलाने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अभी हमारा आयरन गर्म हो रहा है। तो भाई लोगों यहाँ पर आप देख ही सकते हो इसके जो प्लस माइनस आ रहे थे, यहाँ पर जो है प्लस माइनस पे जोड़ दे हूँ एंड यहाँ पर तो ये ज्वेंड है ही। तो देख सकते हो गाइस ये हमारी लाइट जो है बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए गाइस यहाँ पर टैप मारते हैं और इसकी टेस्टिंग करते हैं कि ये जलती है या नहीं। गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइट जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है, मैंने एक नहीं दो बनाई है, और तभी यहाँ पर हमारे दो कमीनों दोस्तों की एंट्री हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब इनसे अखाड़े खेल रहे थे अभी, ये देखिए गाइज, और मेरी पूरी लाइटों का ये नाश मार देंगे और दो तीन तोड़ भी। अब मान जाओ भैया, देखिए गाइज ये तोड़ के डाली है, कितने तोड़ी, किन्ने तोड़ी है, और किसने, मैंने ना तोड़ी, और किसने तोड़ी, तो ये टूटी भी खुद ही आ गई। हाँ तो खराब होंगी या चालू होंगी। चलिए गाइस इसे भी, गाइस इसे भी ये खराब लग रही है तो इसे भी चलाकर दिखाता हूँ। ले पकड़ मोबाइल, पकड़ व्लॉग बना। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी लाइट, चलिए मैं आपको पहले ही वाली जलाकर दिखा देता हूँ। तो देखिए गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो जल गया। तो देखिए गाइस ये वाली लाइट जल रही है, इसका होल्डर निकालता हूँ और गाइस ये करता हूँ इसमें कनेक्ट, और देखिए गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब हमने ये जो आप खराब लाइटें देख रहे हो नीचे की साइड, इन्हें जो हम इन खराब एलईडी बल्ब से ठीक कर लिया हूँ। यहाँ पर आप देख ही सकते हो कुछ इस तरीके से काफी अच्छे से ये जो है जल रही है, और देखिए गाइस मतलब लाइट काफी ज्यादा है। यहाँ पर आप देख ही सकते हो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप देख ही सकते हो। तो इसे हटाता हूँ तो दूसरी को लगाता हूँ, तो देखना गाइस ये भी काफी अच्छे से काम कर रही है, यहाँ पर आप देख ही सकते हो। देखिए गाइस मतलब हमने इस लाइट को जो है खराब जो थी जो कि पेट्रोल पंप के ऊपर लगी रहती है, इन्हें जो हमने इन खराब एलईडी बल्ब को लगाकर इन्हें जो है ठीक कर लिए, यहाँ पर आप देख ही सकते हो कुछ इस तरीके से। तो आप भी इस तरीके से ठीक कर सकते हो अगर आपके पास है। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और ऐसे मजेदार मजेदार व्लॉग देखने के लिए। चलिए गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। देखो मैंने एक घर लगा दी है, कहाँ घर लेके जा रही है, सालों पता भी कितने पलप लगे हुए इनमें।